देश की सबसे प्रतिष्ठित जो परीक्षा होती है यूपीएससी द्वारा ली जाती है, जिसमें आईएएस आईपीएस का सिलेक्शन होता है और साथ ही साथ कई ऐसे एलाइट सेवा के लिए लोगों का चयन किया जाता है जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर सबसे उच्च पद पर बैठकर देश और राज्य के विकास में अपनी भूमिका निभाते हैं। यूपीएससी की परीक्षा को लेकर बच्चों के अंदर में ये बात दिमाग में बैठी रहती है कि आखिरकार वो यूपीएससी जैसी बड़ी परीक्षा में कैसे सफलता हासिल करें। खासकर गुमला जैसे आदिवासी बहुल इलाके की अगर बात करें तो यहाँ से गिने चुने बच्चे ही हैं जो अभी तक यूपीएससी की परीक्षा में सफल हो पाए हैं। इसी बात को गंभीरता से लेते हुए अभी हाल के दिनों में जो यूपीएससी का रिजल्ट आया है उसमें जो बच्चे टॉप में बिहार झारखंड के सफल हुए हैं उन बच्चों द्वारा इन दिनों विभिन्न जिलों में जाकर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है और उस कार्यशाला के माध्यम से स्थानीय बच्चों को बताया जा रहा है कि आखिर में यूपीएससी की परीक्षा में कैसे वो सफलता हासिल कर सकते हैं। इसी तरह के कार्यक्रम को लेकर आज गुमला के नगर भवन में जो अभी हाल के दिनों में यूपीएससी की जो परीक्षा का परिणाम आया है उसमें जो सातवां रैंक जिन्होंने हासिल किया प्रवीण कुमार वो गुमला पहुंचे और उन्होंने नगर भवन में कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें उन्होंने बच्चों को बताया कि आखिर में यूपीएससी की परीक्षा में कैसे सफलता हासिल की जा सकती है। इस दौरान गुमला के जो एक आईएएस अफसर हैं जो अभी फिलहाल एसडीओ के पद पर है रवि आनंद और एक आईपीएस अफसर सुधांशु जैन भी मौजूद रहे और उन्होंने भी बच्चों से अपना अनुभव शेयर किया। तो कुछ जो बेसिक फैक्ट्स हैं मैं बताना चाहूँगा। प्रीलिम्स का एग्जाम जो होता है यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। उसमें एक दिन में दो पेपर कंडक्ट किए जाते हैं। पहला पेपर जो होता है वो जनरल स्टडीज़ का होता है जिसमें 100 प्रश्न होते हैं और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इसका दूसरा जो पेपर होता है वो सीसेट का होता है जिसमें कि मैथमेटिक्स रीजनिंग इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन किस तरह के सवाल रहते हैं। ये सीसेट का पेपर क्वालिफाइंग होता है यानी कि आपको 33% मार्क्स से ज़्यादा लाना है इसमें। और प्रीलिम्स का जो कट ऑफ क्लियर होगा कट ऑफ डिसाइड होगा वो जनरल स्टडीज़ का जो पेपर होता है पेपर वन उसके आधार पर आप सिलेक्शन होता है मेंस के लिए और सीसेट जो है वो क्वालिफाइंग होता है। इसका मतलब है कि लेट से अगर सिविल सर्विसेज जनरल स्टडीज़ का पेपर का जो क्वालिफाइंग है कट ऑफ है वो 100 नंबर है, आपने जीएस का जो पेपर था प्रीलिम्स का उसमें 110 नंबर लिए आपके मार्क्स ज़्यादा हैं। अब सीसेट का पेपर अगर है उसमें आप क्वालिफाइंग के लिए अगर 80 मार्क्स है अगर आप 70 नंबर लेके आते हैं उसमें तो ऑल्दो आपके मार्क्स जीएस में कट ऑफ से ज़्यादा है बट चूंकि आप सीसेट क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं आपका सिलेक्शन नहीं है मेंस के लिए। बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन हो गए हैं, आपको जो भी मटेरियल चाहिए चाहे इंग्लिश के न्यूज़पेपर हो चाहे हिंदी के न्यूज़पेपर हो चाहे द हिंदू हो चाहे द इंडियन एक्सप्रेस हो चाहे फिर आपका जनसत्ता हो, हर जगह अवेलेबल है, मटेरियल की कोई कमी नहीं है। और इवन आप जैसे कई लोग सोचते हैं कि दिल्ली जाए कहीं सिलेक्शन नहीं होता तो दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जब से इंटरनेट और जो मटेरियल की पहली चीज़ है उसके बाद से ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन केवल दिल्ली से ही होता है और या फिर अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है तो आप इस एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान ये फोकस रहा कि आखिर में यूपीएससी जैसी टफ परीक्षा को कैसे बच्चे आसानी से सफलता हासिल कर सके। पूरे नगर भवन में बच्चों की खचाखच भीड़ भरी हुई थी और हर बच्चे की ओर से कहीं ना कहीं इस बात को जानने की जिज्ञासा थी कि आखिरकार यूपीएससी की परीक्षा में कैसे सफलता हासिल कर सकते हैं। रवि आनंद जो कि एक आईएएस अफसर हैं और फिलहाल गुमला के एसडीओ के पद पर पदस्थापित है उन्होंने बच्चों को बताया कि यूपीएससी की परीक्षा आखिरकार वो कौन सी कैसे उसको बहुत आसान तरीके से उसको सफलता हासिल की जा सकती है उसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। पहले तो उन्होंने बच्चों को ये जो परीक्षा होती है कैसे किन किन स्टॉकों में ये परीक्षा ली जाती है, पहले पीटी एग्जाम होता है फिर मेंस होता है फिर उसका इंटरव्यू होता है उसके बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस परीक्षा को पास करने के पीछे और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इस परीक्षा को पास करने के लिए आपका कठिन परिश्रम आपके पढ़ने के जो तरीके होते हैं वो बेहतर होने चाहिए उसका यूपीएससी की परीक्षा आप आसानी से निकाल सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने इस कार्यक्रम के दौरान यूपीएससी को क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है, यहां से जो निकलने वाले लोग हैं वो किन किन पदों पर बैठते हैं उसकी भी जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यूपीएससी की परीक्षा को लेकर जो लोगों के दिमाग में संशय बना हुआ रहता है कि इतने बड़ी संख्या में लोग जब इसमें शामिल होते हैं तो आखिरकार वो बच्चे कैसे सफल हो पाए। यूपीएससी एग्जाम का ये है कि वाई आई वांट टू बिकम एन आईएएस आईपीएस जो भी आप ऑफिसर बनना चाहते हैं मोटिवेशन बहुत क्लियर होना चाहिए। सेकेंड रिक्वायरमेंट इस एग्ज़ाम का ये है कि हार्डवर्क एज वेल एज स्मार्ट वर्क। हार्डवर्क के बारे में बता ही दिया कि ये तो करना ही है, ये बेसिक चीज़ें हैं। स्मार्ट वर्क के बारे में मैं ये बोलूँगा कि आप जो भी काम करते हैं आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि उस काम का रिक्वायरमेंट क्या है।
यदि मुझे ये एग्ज़ाम निकालना है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि यूपीएससी एक्चुअली चाहती क्या है इस एग्ज़ाम से। तो मुझे लगता है कि यूपीएससी दो सोर्स देती है अपने, एक अपना सिलेबस देती है और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देती है। तो यूपीएससी का यही दोनों सोर्स है। गुमला के लंबे समय के इतिहास में देखा जा सकता है तो गिने चुने लोग ही हैं जो आईएएस आईपीएस बन पाए हैं, और वो जो सफलता हासिल किए हैं उन्हें भी काफ़ी मेहनत के बाद वो सफलता मिली, क्योंकि उनको ट्रिक नहीं था। लेकिन आज के समय में तमाम जो मौजूद लोग थे उन्होंने बताया कि इंटरनेट है, आज आपके पास नेट है, नेट के माध्यम से कई जानकारी आप एक्सेस कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नेट के माध्यम से आप जिस तरह से लोग कहते हैं कि नेट का उपयोग करने से बहुत सारे लोग बिगड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि किसी भी चीज़ का दो पक्ष होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आप नेट के माध्यम से नॉलेज को गेन कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल पर बहुत लोगों ने अपनी अपनी बातों को शेयर किया है, उसके माध्यम से भी आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं और निश्चित रूप से सफलता हासिल कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है गुमला जैसे आदिवासी बहुल इलाके के लिए इस तरह की कार्यशाला काफ़ी अच्छी मानी जा रही है। द न्यूज़ पोस्ट के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह।